बड़ी खूबसूरत दो लाइंस पढ़ी थी कहीं मैंने कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तो किस्सा बाकी है, जब दिल अपनी पर आएगा वो वाला हिस्सा बाकी है। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी जो शुरू होती है एक फुटबॉल मैच से। एक फुटबॉल मैच चल रहा था टीम ए और बी के बीच में, लेकिन टीम ए के सारे समर्थकों के चेहरे उतरे हुए थे, मुरझाए हुए थे, क्योंकि टीम बी जो थी वो टीम ए से आगे चल रही थी, मैच को लीड कर रही थी। लेकिन उन सारे समर्थकों के बीच एक बच्चा था जो सबसे अलग था और एक बड़ी सी ब्राइट स्माइल के साथ मैच को एंजॉय कर रहा था। मैच के बीच में एंटर होता है एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, उसी बच्चे के पास आकर पूछता है कि क्यों, स्कोर क्या हुआ है? वो बच्चा कहता है कि वो लोग हमसे आगे हैं, 3-0 मैच का स्कोर है। और ये बात बच्चे ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ करी। उस आदमी ने कहा कि हम पीछे चल रहे हैं, क्या तुम इस बात के बारे में डिप्रेस नहीं हो? वो बच्चा और बड़ी स्माइल के साथ उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं डिप्रेस क्यों होऊंगा, अभी रेफरी ने फाइनल विसल कहां बजाई है, रिजल्ट तो अभी बाकी है। ये सुनकर वो आदमी स्तब्ध सा रह गया और उसके चेहरे पर भी एक पॉजिटिव आशा की किरण जैसी स्माइल आ गई। मैच चलता रहा और जब रेफरी ने फाइनल विसल बजाई उस समय स्कोर था 5-4 और टीम ए जो थी वो जीत गई। जीत के बाद उस बच्चे ने बड़े प्यार से उस आदमी को दूर से वेव भी करा। वो आदमी स्माइल करता हुआ अपने घर तो चला गया, लेकिन उसके कानों में, दिलो दिमाग में बच्चे की बात गूंज रही थी कि क्या बात है, उस बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही थी कि फाइनल विसल जो है अभी तक रेफरी ने नहीं बजाई है। एक्चुअली बिल्कुल ऐसी ही, इस गेम की तरह ही हमारी लाइफ होती है। जिंदगी में कुछ समय के लिए अगर पीछे पिछड़ गए तो ये क्यों भूलते हैं कि आपके पास खास दोस्त, मित्र और फैमिली मेंबर्स का साथ है जो आपको कभी भी किसी से भी आगे लेकर जा सकता है। आप क्यों डिप्रेस होते हैं जब लाइफ अभी बाकी है? आप क्यों डिप्रेस होते हैं जब रेफरी ने फाइनल विसिल बजाई ही नहीं है? ये याद रखिए कि जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक ये लाइफ है, तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो कल नहीं हो सका था वो आज हो सकता है, एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। कोई भी चीज जिसके बारे में आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाए थे, आज कर लीजिए। हम सब अधिकतर क्या करते हैं, रेफरी का वेट ही नहीं करते, हम खुद ही फाइनल विसल बजाकर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि लाइफ तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक डी एंड नहीं लिखा हो तब तक पिक्चर बाकी है और तब तक क्लाइमैक्स कुछ भी लाने की ताकत रखता है। बस लाइफ में जब भी डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, हताश हो, एक बात याद रखिएगा कि अभी फाइनल विसल नहीं बजी है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।